हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मेरी लड़की के ना 3 दिन से 4 दिन से टॉर्चर किया जा रहा था कमरे में। कल्लू कल्लू का लड़का कल्लू कल्लू का लड़का जी। फिर क्या हुआ? फिर जो हमारी लड़की के साथ में वो लड़का करता था, जब भी हम कहेंगे तुमको हमारे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। मेरी लड़की नहीं राजी थी, फिर भी कहने लगा अगर तुम नहीं राजी होगी तो तुमको हम जान से मार देंगे। फिर मेरी लड़की नहीं राजी हुई तो मेरी लड़की को उसको ने जान से मार दिया। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दे, उन्नाव की काशी ग्राम कॉलोनी में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती की संदिग्ध हालत में कॉलोनी के अंदर लाश मिली। युवती की मौत के बाद उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं रोती बिलखती युवती की मां अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम सर ज्योति है। ज्योति, क्या घटना हुई आपकी लड़की के साथ, क्या है पूरा मामला? जी सर, हम 3-4 दिन पहले हम काम करने चले गए थे, आज हमारे पास फोन गया, कहने लगे ज्योति तुम्हारी लड़की की जो है फांसी लगा के मार दी गई है। जब वहाँ हम आए तो वहाँ दरोगा था अंदर, वो दीवान था, वो क्या कहते हैं सिपाही है कुछ दो थे उसके अंदर, वो लिखा पढ़ी कर रहे थे। जल्दी चादर में लपेटा, चादर में लपेट के और जो है ऑटो में बुलाया, ऑटो में लदवा के लेके गए वहाँ सरकारी अस्पताल चीरघर। और जब चीरघर हम गए, 1-2 घंटा हुआ 3 घंटा बैठी रहेंगे, उसके बाद में ना जो है पोस्टमार्टम हुआ, ना पोस्टमार्टम का कोई हमका कागज़ मिला, ना कुछ नहीं। आदमी भी दौड़ रहा, लड़का भी दौड़ रहा कचहरी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहनी एप्लीकेशन तो पहले से। किन लोगों ने मारा है, किन लोगों पे शक है? इसमें शक है कि उस ब्लॉक वाले बता रहे हैं कि जो है 2-3 लड़के आए थे कमरे से, सुबह निकले थे आज, और 3-4 दिन पहले से उसको टॉर्चर कर रहे थे और उसके बाद में तब जो है उसको मार दिया सुबह में। मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्नाव की काशीराम कॉलोनी एक बार फिर सुर्खियों में। दरअसल उन्नाव की काशीराम कॉलोनी के रहने वाली ज्योति ने बताया कि 9 तारीख को वो जब सुबह काम पर चली गई तो उनकी 17 साल की बेटी अंजलि घर पर अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर पड़ोस का रहने वाला एक युवक अपने 3 साथियों के साथ जबरन घर में घुस आया और उनकी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, तो दबंग युवक उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। जब ज्योति घर वापस आई तो अंजलि ने मां को रोते हुए सारी बात बताई, जिसके बाद ज्योति ने काशीराम कॉलोनी चौकी और थाना कोतवाली में इसकी शिकायत की थी। 10 तारीख को ज्योति जब एक बार फिर सुबह अपने काम पर चली गई, इसी दौरान दोपहर के वक्त उसको फोन आया कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। आनंद फानंद में ज्योति घर पहुंची तो बेटी की लाश देखकर फपक फपक कर रोने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। वहीं मृतक अंजलि की मां ज्योति का कहना है कि उसके पड़ोस में रहने वाले युवक और उसके घर वालों ने मिलकर उसकी बेटी की बेदर्दी से हत्या की है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि वो परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यूनिज़ूपी।